हेलो गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न क्रिस्पी और स्पाइसी। उसके लिए सबसे पहले आपने स्वीट कॉर्न को फ्रिज से निकाल के धो के और पोंछ फिर उसमें आपने कॉर्न फ्लोर 4 चम्मच डाल के थोड़ा सा मिक्स कर देना है, पूरा अप्लाई कर देना है, उसमें मिक्स कर देना है कॉर्न फ्लोर को। और एक बड़ा प्याज और थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्ची को आपने बारीक काट लेना है। और कढ़ाई में आपने तेल गरम होने के लिए रख देना है। और जो इसको आपने फ्राई करना है, डीप फ्राई, उसके लिए आपको मीडियम आंच पे करना है, बहुत तेज फ्लेम पे नहीं करना है। चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने से क्या होगा, ये कॉर्न जो स्वीट कॉर्न है ये पूरे अच्छी तरह क्रिस्पी हो जाएंगे। आपने सिंपल तो सभी को बनाना आता है स्वीट कॉर्न जो बटर में फ्राई करते हैं, लेकिन इस तरह से डीप फ्राई वाले आपने नहीं ट्राई किए होंगे, तो ये आप बनाकर ट्राई कीजिए। 5 मिनट लगते हैं बनाने में और बच्चे इसको बहुत शौक से इंजॉय करते हैं। यही आप किसी होटल वगैरह में जाते हैं तो आपको एक प्लेट का 300 कम से कम कॉस्ट कर देना पड़ता है। घर पे आपको ये बहुत ही इजीली कम कॉस्ट पर आप बना सकते हो। चलिए थोड़े से तेल में या घी में आप अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके बाद प्याज डाल के भून लो। अब आप इसमें 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्ची और थोड़ा सा चाट मसाला 1/2 चम्मच आप डाल दो और अच्छी तरह मिक्स कर लो। थोड़ी सी लाल मिर्ची भी आप डाल सकते हैं। अब आप इसमें वही क्रिस्पी स्वीट कॉर्न डाल दो और अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर लो। चलिए स्वीट कॉर्न रेडी है सर्व करने को। आप इंजॉय करो और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसको आप ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं और सिंपल सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं।